लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने आज नवी मुंबई मनपा का दौरा किया और प्रशासनिक एवं आरोग्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर द्वारा कोरोना को रोकने में निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने बच्चों को कोरोना से बचाने चलाई गई आरोग्य नियंत्रण योजना और छात्रों के लिए संचालित उपक्रमों को रोल मॉडल बताते हुए पूरे राज्य में लागू कराने पर जोर दिया। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना के सीनियर लीडर और विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने नवी मुंबई मनपा प्रशासक अभिजीत बांगर से मुलाकात की और आरोग्य एवं विकास उपक्रमों का जायजा लिया। मीडिया से बोलते हुए उन्होंने कोरोना रोकने में नवी मुंबई मनपा की भूमिका और प्रयासों को रोल मॉडल बताया। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए चलाए जा रहे उपक्रमों की भी सराहना की और इसे पूरे राज्य में अमल लाने पर जोर दिया। नीलम गोरे ने कहा कि नवी मुंबई मनपा ने जो काम किया है वह राज्य भर के लिए अनुकरणीय है, इसलिए मुख्यमंत्री से मिलकर इसे राज्य भर में अपनाने के सुझाव देंगे। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। स्वतःच्या निधीतून इथे सगळ्या हॉस्पिटल्स जोडून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। RT-PCR टेस्ट वाढवलेले आहेत, त्याचबरोबर तिसऱ्या स्वरूपाचं जी लाट आली तर त्याच्यासाठी त्यांनी तयारी चालवलेली आहे। परंतु त्यांनी ज्याच्यामुळे कोरोनामध्ये ज्या महिला विधवा झालेल्या आहेत अशा कुटुंबांसाठी 1.5 लाख रुपये मदत पर कुटुंब महानगरपालिकेने करायची ठरवली आहे, जी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे। नव्या मुंबईतलं महापालिकेचं जे काम आहे ते इतर महापालिकांनासुद्धा उपयुक्त ठरेल या दृष्टिकोनातून। जशी कोरोनामुक्त गावं आहेत तशी कोरोनामुक्त काही सोसायटी किंवा कोरोनामुक्त वसाहती एकनाथ शिंदे शी बोलून आले आहे। यातले जे मुद्दे मला महत्त्वाचे वाटत आहेत ते माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याकडे आणि पालकमंत्र्यांच्याकडे मी निश्चितपणे देईन आणि त्याच्यावरती या अनुभवाचा उपयोग सगळ्या महापालिकांना होऊ शकेल असं मला वाटतं। सगळ्या महापालिकांना पण मी निर्देश देते आहे की त्यांनी कामगार विभागाशी समन्वय ठेवून अधिक प्रमाणात असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी स्वतःची यंत्रणासुद्धा कामाला लावावी, जेणेकरून त्यांच्यापर्यंत शासनाच्या योजनांचा फायदा होऊ शकेल। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।